चक्कर में नहीं रहना, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है और आप लोगों को ये सावधानी करने के लिए होशियारी होती है, होशियार रखने के लिए कि भैया खबरदार खबरदारी करते हैं। तो एक आप लोगों का भाई के जैसे, किसी से छोटा हो तो छोटा भाई, किसी से बड़ा हो तो बड़ा भाई, के तौर पर मैं आप लोगों को ये खबरदारी कर रहा हूँ कि शॉर्टकट नहीं अपनाए। तो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं फटाफट पैसा बनाने के लिए, पैसा जो चीज है ना वो कभी भी नहीं हुआ है, हमको सिस्टम को अपना बनाना है, समझ रहे हमारी बात। अगर आप सिस्टम को बना लोगे ना, पैसा फिर आप उसको बोलोगे ना कि रुक जा, फिर भी नहीं रुकेगा भाई। उसको बांध लगाओगे ना, बांध, पानी का बांध लगाते ना, गेट लगा दिया, फिर भी तो ओवरफ्लो होके आएगा। अगर आपने सिस्टम सही बनाया है तो, लेकिन आपने सिस्टम नहीं सही बनाया है तो फिर चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी अंगूर खट्टे थे। अभी बोला धन साहब, जिसने किया है उसको तो प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है, और जिसने किया नहीं उसको तो बहुत प्रॉब्लम है। यस यस, समझ ना, तो वो जो नहीं किए हैं वो उन्होंने शॉर्टकट किया, जेब से पैसा डाला, पैसा डाल के मेंबर बनाया, हम हैं हम बना देंगे आपको स्टार एजेंट, हम बना देंगे। अरे आप पहले आइए तो सही, 10 आदमी हमने तैयार किए हुए आपके लिए, ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको असल में एक लाइफ टाइम बिजनेस पार्टनर चाहिए तो आपको उसको असलियत जो बातें हैं कंपनी के हवाले से, प्रोडक्ट के हवाले से, सिस्टम के हवाले से, और उसको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, अगर वो कुछ पाना चाहता है, अगर वो महीने का 5,000 रियल चाहता है अपने मुंह पर जाने के बाद भी, तो उसको आपको बताना पड़ेगा पहले कि आपको क्या करना है। आपको ये नहीं बोलना है कि हम कर देंगे। अरे आज का जमाना बाप बेटे के लिए नहीं करता है, बेटा बाप के लिए नहीं करता, इधर कौन किसी के लिए करेगा भाई। yes. ये फोकट का भरम क्यों फैलाते हो, इस भ्रम से निकल जाओ। अगर कोई भी नया है तो बोल के लाया है भाई, मेरा ये पहले आप लोगों को बता दिया मैंने, आप लोग लड़की हो, किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता, जो भी कोई करता है वो खुद करता है, उनके लिए करता है, तो करना भी है खुद के लिए करना है। आप अपने लिए करते जाओ, अगर आपने अच्छा किया तो लोग बोलते जाएंगे कि भाई इन्होंने हमारे लिए ये किया, उन्होंने हमारे लिए ये किया, हमने अपना अच्छा किया, अभी ये हमको गुरु बोलते हैं भाई, थैंक यू। हम अभी गुरु के लायक तो नहीं है, बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश किया हमने, एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश किया, बस एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करो, क्योंकि डीएक्शन नॉट ओनली बिजनेस, इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको पहले रिलेशन बनाना पड़ेगा। जब आप एक अच्छा संबंध बनाओगे बिजनेस तो अपना हो जाएगा, ये चीज को हमको ध्यान देना है। तो ये मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट भी है, अनुरोध भी है और खबरदारी भी है। अब आते हैं मुद्दे पर, मुद्दा ये है कि लोग ना शॉर्टकट के चक्कर में, पहला शॉर्टकट क्या है कि ये जो अपना अभी मशरूम पाउडर और स्पाइस आया हुआ है अपने कतार में, और उसका जो है पैसा आपको 245-40 पता नहीं कितना पड़ता है दोनों का, तो 105 की भी हो जाता है ना, और उसमें मेंबर बनते हैं, बताया आपको मेंबर बनने के 300-350 लगता है, लेकिन मैंने आपको 250 में कर दिया। और कोई तो होते फ्री में कर देते कि हम फ्री में कर देंगे, और ज्यादा आजकल तो ये ऑनलाइन सिस्टम आ गया है, और आपको मालूम है फ्री में जो मिलता है वो टिकता नहीं है, और जिसका दाम चुकाया है ना उसका पूरा पूरा काम भी होगा भाई, बिना मूल्य का कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं है बिना मूल्य का, हर एक चीज का मूल्य है, मूल्य चुकाना पड़ेगा। आप मूल्य जब चुकाओगे तो आपको मूल्य भी मिलेगा फिर, इसीलिए ये मैं नहीं बोल रहा है कि स्पाइरुना और मशरूम नहीं चाहिए, चाहिए, लेकिन हम क्या करने के लिए आए हैं, हमको अपना रिएक्शन में कैरियर बनाना है, अगर इसमें हम भविष्य बनाना चाहते हैं तो हमको एक हिसाब से काम करना पड़ेगा, एक सिस्टम को एक लाइन में लेके आके, एक तरीका अपना के, एक नीति, एक नियम बना के, एक रूल्स पे हमको फॉलो करना। सबसे आसान उसके लिए ये है कि आप रिएक्शन को आदत बना लें, आदत मालूम है क्या होता है आदत, है ना, हैबिट, और आदत हैबिट मालूम नहीं इसलिए आदत बोलते हैं, भाई बोल रहे हैबिट, अच्छा बात है, ये क्या है मालूम है,
क्या है कि हमारे बहुत से अपने मुल्क में ना ज्यादा लोगों को स्कूल मालूम है, सबको स्कूल बोलेंगे तो अनाड़ी को भी मालूम है, विद्यालय बोलेंगे तो पढ़े लिखे को भी नहीं मालूम है। तो हमको ना आदत बनाना है। आदत क्या है? सुबह आप उठे, आपको मंजन चाहिए है ना, अपना मंजन करना है, मंजन करते हैं ना। मंजन का आदत क्या है? अपना मंजन में रिएक्शन, नहाना है साबुन, मुंह धोना है फेस वॉश, बाल धोना है शैम्पू, सही है ना, पाउडर वाउडर लगाए, सही है ना खुशबू भाई, पाउडर वाउडर लिया अपना कपड़ा वपड़ा पहने, आप नौकरी में जा रहे हैं नो प्रॉब्लम, गाजरी लगाओगे आप नो प्रॉब्लम, पाउडर लगाओ अपना, क्योंकि जो शरीर है ना ये अमूल्य है और इसका आप पाउडर लगा रहे हो। आप ये क्यों सोच रहे हो मैं काम में जा रहा हूँ? लोग ना सुबह काम में जाने के टाइम में कुछ नहीं लगाते, पाउडर भी नहीं लगाते, और शाम को रिएक्शन के टाइम में फिर बाजार से परफ्यूम खरीद के भाग जाते हैं। क्या भाई, सुबह आप काम पे जा रहे हो, अपना मुंह धोए नहाए धोए पाउडर वाउडर मारो अपना कपड़ा पहनो, ये देह आपका है, शरीर आपका है, इसका जितना आप हिफाजत करोगे उतनी फिर लंबी जिंदगी भी इधर ही जियेंगे ना हम। और ये प्रोडक्ट है लॉन्ग लाइफ के लिए, लॉन्ग लाइफ, जल्दी कोई भी नहीं जान जाता है, हर एक चीज जल्दी चाहिए, सब चीज जल्दी जल्दी चाहिए, लेकिन इधर से जाना जल्दी नहीं है। पूछो भाई तुम फटाफट जिंदगी इधर जी के जाना चाहते हो फटाफट, नहीं नहीं भाई हम तो लंबा जिंदगी तो और चीज क्यों जल्दी चाहते हो, इसलिए जल्दी जल्दी का चक्कर में नहीं रहना है। प्रोडक्ट जो है लॉन्ग लाइफ के लिए है, दीर्घायु के लिए है, चीर युवा, हमेशा यंग रहने के लिए। आप भले हो जाएंगे कल 60 के हो जाएंगे, 70-80 के भी हो जाएंगे, लेकिन फिर भी शरीर में दम वही है ना, एक जवान के जैसा, बाल भले ही सफेद हो जाए लेकिन शरीर का जो है ना अपना एक्टिविटी वो एक दिखता है। बहुत से लोग हैं ऐसे, अपने यंगे यंगे सिंह तमांग वो 60 साल हो गए, नालंदा इधर हमारे बीच में, अब उम्र नहीं बोलेगा ना, उनका सिर्फ लेडीज नहीं है इधर जो भी है हमारे बहुत सीनियर है, लेकिन ये भी देखो हमसे ज्यादा फुर्ती है उनमें, क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट की वजह से और आपकी एक हैबिट की वजह से। तो प्रोडक्ट को हैबिट बनाना है, आदत बनाइए, सुबह से शाम तक हमको बाथरूम से लेके अपना रूम में किचन में यूज होने वाला चीज है, ऐसा कोई चीज नहीं है फालतू, और सब जो भी चीजें सब अच्छे हैं, ऐसा हैबिट आप इसको कंज्यूम कीजिए, जब ये कंज्यूम करिए तो आप 100-150 चीजें खुद यूज कर लो।